समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। धन्यवाद। मेट्रो साल स्टेशन पर उतार दिए, हम चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों के, और आप देख सकते हैं कि ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। चलिए तो चलते हैं अपन ट्रेन में, अब रुकने वाली और जल्दी से फटाक चढ़ जाता हूँ और अपन लोग चलते हैं। ओके, अपन एक दूसरे की गलती। अरे बात छोटा, हटाई 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 हाथ हटा। बाकी सर हम यहाँ पर जो गाड़ी रुकी है स्टेशन बीच में ही रुक जाती है। और आप देख सकते हैं कि यहीं से अब हम लोग ऑटो पकड़ने वाले हैं, जिससे कि और आप देख सकते हैं कि इधर पे अब हम पैदल पैदल चल रहे हैं, काफ़ी थक चुके हैं। और हम लोग अभी ऑटो जा रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं चाय नाश्ते की दुकान है, भोजनालय है। यहाँ पर सभी दुकानों पर तरंगे आ गए। नमस्कार दोस्तों, और आज हम जा रहे हैं श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार में, श्री बागेश्वर धाम, जहां जाने का मौका मुझे अब मिला है। और परिस्थितियां भी अब बन चुकी हैं कि मैं जाऊं। बहुत दिनों से सोच रहा था जाने का और एक ब्लॉग डालने का वहां का, कि किस तरह से जाया जाता है और वहां के दर्शन भी मुझे करना है। तो मैं साथ में आप लोगों को भी बागेश्वर धाम के दर्शन करा दूंगा, श्री बालाजी महाराज के दर्शन करा दूंगा। और चलिए चलते हैं हम लोग बागेश्वर धाम। जय श्री बागेश्वर धाम। चलो चलकर इटारसी भुसावल के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनल को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। धन्यवाद। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 11072 कामाई एक्सप्रेस फ्रॉम वाराणसी टू लोकमान्य तिलक टर्मिनल। चलिए दोस्तों, और अब हम आ चुके हैं बिजनेस स्टेशन पर और हमारी ट्रेन आने वाली है। आप लोग देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम के लिए विदिशा से महामना एक्सप्रेस जो सीधे मेट्रोसाल स्टेशन पर उतारती है, हम चलते हैं। आओ आओ टिकट ले लें। और ये विदिशा से महाराज छत्रसाल तक का टिकट है, जिससे कि हम जर्नी करेंगे ट्रेन से। ट्रेन आने वाली है विदिशा में, इसका स्टेशन है 7:08। चलिए चलते हैं। और ये विदिशा का स्टेशन है, जिसे कि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ रहती है। सुबह के 7 बजे है
और अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए हमेशा ही यहाँ से लोग बाग जाते रहते हैं, यहाँ से नहीं पूरे देश से हर जगह से जाते रहते हैं। और ट्रेन अभी हमारी आई नहीं है, हम जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हम लोग अब जा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार, नहीं अभी कौन सी ट्रेन आ रही है देखते हैं फिलहाल में कौन सी ट्रेन है। और ट्रेन नंबर तो फिलहाल में इसमें देखता हूँ अभी टिकट में, फिर अपन जल्दी से चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपको बता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ। गेट पे हम ना बंद पड़ो है का। बन्नू अपन एक दूसरे की गलती चक्कर में और चले जा रहे हैं ट्रेन में और कुछ देर में ही हम पहुंच जाएंगे स्टेशन पर। चलने पड़ता है फिर रुक जाते हैं ट्रेन, देखते हैं फिर आगे कैसे चलते हैं। वीडियो बन जान तो बहुत काम की वीडियो बन रही है। और ये दोस्तों हम लोग आ चुके हैं छतरपुर स्टेशन पर, महाराजा छत्रसाल छतरपुर जो आप देख रहे हैं स्टेशन, बड़ा ही सुंदर और प्यारा स्टेशन है। काफी अच्छी व्यवस्था की गई यहाँ पर सरकार द्वारा। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम छतरपुर स्टेशन पर आ चुके हैं, जिसे बोलते हैं महाराजा छत्रसाल स्टेशन छतरपुर। और यहाँ पे ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी है, मगर हम आउटर में उतरेंगे जिससे कि वहाँ पास में पड़े जाने के लिए। हटाइए कर रेट नहीं बढ़ा पा भाई बना रही। अरे यार मनु यार भाई कोई ना चेन खींचिए रुकिए बागेश्वर धाम यहाँ पर जो गाड़ी रुकी है स्टेशन बीच में ही रुक जाती है जो बढ़ा के लिए जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी पब्लिक है के लिए, और आपको हम आगे वीडियो में और भी बताएंगे वहाँ से आपको कैसे पकड़ना है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। और आप देख सकते हैं कि ये बस अभी आ रहा है आदमी का
यहीं से अब हम लोग ऑटो पकड़ने वाले हैं, जिससे कि ऑटो से ही जाएंगे रास्ते पर। मेरा दिमाग समझो तो वो जा रहा है, सेल्फी बना रहा था। है वो आ रहा है, मजा आया वो। करते हैं ठीक है। एक गड़ा दोस्तों 4 किलोमीटर है यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि इधर पे अब हम पैदल पैदल चल रहे हैं, काफ़ी थक चुके हैं। यहाँ से ऑटो तो अब मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो आगे वाली सवारी थी वो सब ऑटो में जा चुकी है, और ऑटो इस वक्त मिल नहीं रहा है। ये बागेश्वर धाम जाने का रास्ता है सीधा जो गया है, आप देख सकते हैं। और हम चलते हैं आगे की तरफ, ये चलिए चलते हैं और देखते हैं। सुबह का समय है और यहाँ पे लोग अपने अपने घर के सामने दुकानें लगाना आरंभ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं चाय नाश्ते की दुकान है, भोजनालय है। यहाँ पर सभी दुकानों पे प्याज और लहसुन मिलता ही नहीं है, और मांगने पर भी देते नहीं हैं। खाने में प्याज और लहसुन की उम्मीद बिल्कुल ना करें यहाँ पे, क्योंकि बागेश्वर धाम पर भी गुरुजी का स्पष्ट कहना रहता है कि लहसुन प्याज वर्जित है यहाँ पर। काफी सकरा रास्ता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा जाम लगा हुआ है, शानदार लोगों का। दुबली पतली रस्तियों से निकल के बढ़िया कागज भर कॉटेज यहाँ पर उपलब्ध है। ये देखिए ये सुंदर टावर कितना ऊंचा लगा हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ से शायद मुझे भी कन्फर्म नहीं है, यहाँ से सीमा प्रारंभ है जो गाड़ियों की पार्किंग आप देख सकते हैं सामने। अरे सचिन चलाने तक जा, हम ठंड लग रही है। वो ही 11 बजे निकल गाड़ी मत दे रे, वीडियो में जान दे बैंक दे दो गाली माली सवेरा, और इतनी वीडियो दारू दारू गाली नहीं दे सकता। हाँ
ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये एक और लड़का यूट्यूबर ही है, नया नया यूट्यूबर है इसलिए दोस्तों इसके चैनल पे अब नहीं आएंगे। इतना कीड़ा है दोस्तों कि हम बता नहीं सकते। अब नहीं आएंगे। कहीं भी अगर कार भी दिख जाए तो उसकी वीडियो आधे घंटे तक बनाता है दोस्तों, देख सकते हैं आप। अरे यार तुम बाइट लगा दे पूरे बाजू, मतलब नहीं इतनी मेहनत तो कर रहे हो। जब तक खुल नहीं बैठेंगे तब तक फिर आगे आ गए। चलो भाई ठीक है, चलो बाबू फिर आगे आगे बोल तुम बोल प्रसाद लेंगे ना। जो आपके यहाँ पंडित जी को मुझसे बात कर रहे थे उनको ना दस में बात कर रहा है, शाम को बात होगी 8 बजे से। लेते नहीं पैसे चार ठीक है। ये बैक कैमरा लग रहा है मेरे संग बने ले। हां बैक कैमरा लगा रहा हूं। चलो 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 ये देखो आ जा देखो आजा भैया। ओ भैया आप करो आप करो
आप देख सकते हैं ये बाबा धाम के दर्शन दो लोग हमारे और कहीं डब्बा में चढ़ गए। हेलो और ये अब हम वापस विदिशा की ओर चल चुके हैं। हमारी यात्रा संपन्न हुई, धन्यवाद। और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में देखें। जय श्री राम।